आखिरकार जो आजकल बांग्लादेश में चल रहा है भाई साहब, सबका उसके सबके पीछे जो है वो अमेरिका का हाथ है। शुक्र देंगे कॉर्नर करते हैं 3-1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट सामने आई है, शेख हसीना ने फाइनली ओपनली अब यूएसए का नाम लिया है पहली बार, और ये कहा है कि मैं नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश यूएसए के सामने सरेंडर कर जाए, और जो एक इम्पॉर्टेंट टापू है जो यूएसए को चाहिए वो इनको मिल जाए। नाउ आज से 2-3 महीने पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, यूएसए विल मेक अ न्यू कंट्री नियर इंडिया। इस वीडियो को 1.7 मिलियन के आसपास लोगों ने देखा था, और मैं देख रहा था इस वीडियो पर ना पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कमेंट्स आई है। पुरानी वीडियो है, मगर इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इस इलाके में एक जियोपॉलिटिकल संकट आने वाला है, बांग्लादेश में मेजर चेंजेस पॉसिबल हैं, और शेख हसीना ने उस वक्त एक हिंट दिया था कि एक कंट्री है, एक वेस्टर्न कंट्री है, वो चाहता है कि म्यांमार बांग्लादेश से एक हिस्सा तोड़कर एक नया क्रिश्चियन कंट्री बनाया जाए। तब से लेकर अब तक हम देख चुके हैं बहुत कुछ हो चुका है, बांग्लादेश में सत्ता बदल चुकी है, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है बांग्लादेश में प्राइमरली हिंदूज, उन पर बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, इस पर यूएन ने भी कमेंट करी है। और इस पुरानी वीडियो में मैं देख रहा था पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने कमेंट करी है कि यस आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, यू आर राइट, प्रूवन राइट, क्या प्रेडिक्शन थी, प्रेडिक्शन वाज राइट। देखो प्रेडिक्शन तो नहीं कहूँगा इसको मैं, ऐसे कोई प्रेडिक्शन करने के लिए नहीं बैठा यहाँ पर, रिसर्च होती है, रिपोर्ट्स होती हैं, वो मैं पढ़ के अपनी जो इंटेलिजेंस है, अपना जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एनालाइज करके आपके साथ शेयर करता हूँ। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, काश ये जो मेरा एनालिसिस था, प्रेडिक्शन जो भी आप कह लीजिए, काश ये गलत हो जाती, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में इंडिया के सामने एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज खड़ा हो चुका है। और शेख हसीना ने हाल ही में जो स्टेटमेंट्स दी हैं, अगर हम मान के चल लेते हैं कि शी इज़ 100% करेक्ट, ये किसी पर ब्लेम नहीं डाल रही, ये कुछ पॉलिटिक्स नहीं खेल रही, ये बिल्कुल 100% करेक्ट बात कर रही है, अगर हम ये मान लेते हैं तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। शेख हसीना ने ओपनली ये कहा है कि यूएसए का बड़ा रोल था इनकी सरकार को ख़त्म करने में, और आगे ये भी कह दिया कि ये चाहती तो लंबे समय तक पावर में रह सकती थी, मगर लगातार बांग्लादेश में वायलेंस बढ़ रहा था, तो ये सब देखते हुए इन्होंने इन दी एंड ये डिसाइड किया कि बांग्लादेश को छोड़ देना ही अभी के लिए ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पर ये बोल दी है, यहाँ पर आप देख पाओगे, फॉर्मर बांग्लादेश PM शेख हसीना एक्यूज्ड द यूनाइटेड स्टेट्स। अब अगेन, अब कोई हिंट की बात कुछ नहीं हो रही कि कोई वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ से कोई आया था, खुल के इन्होंने यूएसए का नाम लिया है, और ये कहा है कि यूएसए चाहता है कि सेंट मार्टिन आइलैंड और बे ऑफ बंगाल पे इनका कब्जा हो जाए, और ये ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। और अब देखो ये एक तरीके से इंडिकेशन भी दे रही है कि यूएसए को जो चाहिए था वो उन्होंने कर लिया, अब ऐसा नहीं है कि रातों रात सेंट मार्टिन पे जाके यूएस आर्मी चढ़ जाएगी। अमेरिकन्स बहुत पेशेंट हैं इस मामले में, आराम से पहले बांग्लादेश में कई और चीज़ें ये करवाएंगे, पॉसिबिलिटी है। मैं फिर से बोलूँगा, मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से ये भी कह सकता हूँ, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में एक स्मॉल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या फिर मिलिट्री टेंशन कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा आगे जाकर। ये 1 साल में 2 साल में हो सकता है, पर याद रखिएगा इंडिया का जो ये नेबरहुड है यहाँ पर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और सेंट मार्टिन आइलैंड्स पर जेन्युइनली यूएसए धीरे धीरे एंट्री करता है या फिर डायरेक्टली एंट्री करते हैं ये भी देखना होगा, बट शेख हसीना ने खुल के स्टेटमेंट दे दिए कि ये सब हुआ था। नाउ एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं, अब शेख हसीना ने काम बड़ा अजीब सा किया है, जब ये पावर में थी 2 महीने पहले, जब मैं ये वीडियो बना रहा था यहाँ पर, तब शेख हसीना हिंट क्यों ड्रॉप कर रही थी, तभी बोल देती ओपनली कि वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न कंट्री क्या होता है, खुल के कहती कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मुझ पर प्रेशर डाला है, वो मिलिट्री बेस चाहते थे बांग्लादेश में, मैंने मना कर दिया, अब देखो ये हो हल्ला करेंगे बांग्लादेश में। एक बार को इनका स्टांस काफ़ी हद तक इससे क्लियर भी हो सकता था, मगर मैं यहाँ पर पर्सनली, मेरा यहाँ पर मानना है, जो इमरान खान वाला केस है ना, वो देखकर मेरे हिसाब से शेख हसीना काफ़ी हद तक अलर्ट हो गई होंगी।
इमरान खान ने खुल के यूएसए यूएसए किया था, डोनाल्ड लू के बारे में खुल के स्टेटमेंट ओपनली दे रही थी, अमेरिकन्स को वो पसंद नहीं आया और इसलिए हम देख रहे हैं कि इमरान खान को इन्होंने हार्ड ट्रीटमेंट ही दिया। इन दी एंड इमरान खान लंबे समय से जेल में है, उनकी पार्टी को डिसमेंटल कर दिया गया है, जो उनका वो पार्टी का चिन्ह था, चुनाव चिन्ह बैट, वो भी उड़ गया है। ऑल टुगेदर एवरीथिंग हैज चेंज्ड। तो शेख हसीना को कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उस वक्त लगा होगा कि अगर मैं ओपनली नाम ले लेती हूँ यूएसए का, तो फिर हो सकता है कि CIA यूएस इमीडिएटली कुछ बड़ा एक्शन ले ले। बट इन दी एंड देखिए हुआ यहाँ पर यही है, वो स्टेटमेंट दी गई ना दी गई अब उसकी इम्पोर्टेंस बड़ी कम रह गई है, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। ठीक है, अब शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर जाकर ये स्टेटमेंट्स देंगे भी, तो इनके जो आलोचक हैं, इनके क्रिटिक्स हैं, वो कह सकते हैं कि देखिए शेख हसीना तो अब बांग्लादेश से बाहर चली गई हैं, ये अब बहाने लगाएंगी कि देखिए ऐसा हुआ है, इस वजह से इनको बाहर किया गया, यूएसए को ये ब्लेम करेंगी। तो ये आप पर है कि आप शेख हसीना की स्टेटमेंट को मानते हैं नहीं मानते। मैं हमेशा आपके सामने जो आर्टिकल्स हैं, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो रखूँगा, उसके बाद आप पे मैं छोड़ दूंगा बड़ा डिसीजन कि आप किस लीडर की बात मानना चाहते हैं नहीं मानना चाहते, इट इज़ अप टू यू। और इंटरेस्टिंगली एक बात यहाँ पर नोट करने वाली ये भी है कि चाइना का जो सरकारी मीडिया है, देखो चाइना की जो गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल चुप है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ओपनली अभी के लिए फॉर द टाइम बींग यूएसए पे आरोप नहीं लगा रही, मगर हम देख रहे हैं कि और जगह, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल टाइम्स और उसके अलावा वेरियस और जो इनके न्यूज़ आउटलेट्स हैं, सरकारी न्यूज़ आउटलेट्स, वो बिल्कुल अमेरिकन रोल की तरफ एक संकेत दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल यूएसए का रोल हो सकता है। और इसलिए आपने देखा होगा द इकोनॉमिस्ट ने इस पर एक अलग से रिपोर्ट पब्लिश करी है, द गवर्नमेंट इज क्वाइट, अदर्स ब्लेम अमेरिका। और एक बार को चाइना की फ्रस्ट्रेशन मैं कुछ हद तक समझ भी सकता हूँ। देखो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बांग्लादेश में जो हुआ है उसके पीछे चाइना हो सकता है। देखो आप एक बात यहाँ पर नोट करो, मुझे देखो यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा, बात सुनने में बहुत अजीब लगेगी, मगर यूएसए ने या जिस पावर ने भी बांग्लादेश में जो भी किया है, मुझे लगता नहीं है उनका मेन टारगेट इंडिया है कि इंडिया को हर्ट करना है, मेन टारगेट उनका म्यांमार है। और म्यांमार जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय चाइना का एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री बन चुका है। म्यांमार में आज से कुछ साल पहले तख्तापलट हुआ था, यहाँ पे आर्मी राज कर रही है, सिविलियन गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है, यूएसए ने और जापान ने और वेरियस और कंट्रीज ने दर्जनों सैंक्शंस लगा रखे हैं म्यांमार पे, और म्यांमार के जो डिफेंस टाइज हैं ये चाइना के साथ लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप अगर वॉइस ऑफ अमेरिका जो यूएसए का दूरदर्शन है आप कह लीजिए, उनके आर्टिकल भी आप देखोगे, वहां पे साफ साफ ये बात ये लोग लिखते हैं कि अमेरिकन एक्सपर्ट्स के हिसाब से म्यांमार की जो जनता है ये कंट्रोल लूज कर रही है, जो इनकी आर्मी है ये कंट्रोल लूज कर रही है, क्योंकि इंटरनली बहुत सारे ग्रुप्स खड़े हो रहे हैं जो आर्मी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है म्यांमार पे। देखो एक अल्टीमेट प्रेशर डालने के लिए, धक्का देने के लिए इवेंचुअली बांग्लादेश का यूज हो सकता है। और शेख हसीना ने जिस टापू की यहाँ पर बात करी है ना, इधर आप देख पाओगे ये यहाँ पे छोटा सा टापू है, ये है सेंट मार्टिन आइलैंड। शेख हसीना के हिसाब से यूएसए को ये टापू चाहिए था, इन्होंने मना कर दिया, उसके बाद ही यूएसए ने अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में ये बढ़ा दी। इस टापू पर इंटरेस्टिंगली पिछले कुछ सालों से म्यांमार ने भी क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है, ये एक्चुअली एक डिस्प्यूटेड टापू है बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो अब देखना होगा कि क्या भविष्य में इस टापू पर अमेरिकन मिलिट्री धीरे धीरे इंक्रीज कर देती है अपना फुटप्रिंट। कुछ यहाँ पर यूनिक होता है, मैं आपको पुरानी वीडियोज में भी बता चुका हूँ कि इस रीजन में ये म्यांमार और ये जो बांग्लादेश का रीजन है, आने वाले कुछ सालों में ऐसी चीज़ें होंगी जो सिर्फ आपके लिए नई नहीं होगी, ये मेरे लिए भी न्यू होगा। दिस विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब लोग देखेंगे कि जब बड़ी पावर्स छोटे देशों के साथ गेम खेलती है, उनको गोटियों की तरह इस्तेमाल करती हैं, तो क्या होता है। मुझे लगता नहीं है इवेंचुअली, देखिए बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अलावा अगर मैं बात करूं तो लगता नहीं है कि बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे आने वाला है। इंडिया अलर्ट है डेफिनेटली, बट जिसने भी बांग्लादेश में जो भी किया है उनका मेन टारगेट लग रहा है इट इज़ म्यांमार। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होने वाली है, कुछ मेजर अपडेट सामने आती है। मुझे लग रहा है कि यूएस इस पर कॉमेंट करेगा, करनी पड़ेगी, क्योंकि शेख हसीना ने खुल के यूएसए का नाम ले दिया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यूएसए को भी कॉमेंट करनी होगी। यूएस बाय द वे, मैं एक और बात यहाँ पर ऐड कर दूँ, एक प्रोसेस यूएसए ने यह भी स्टार्ट कर दिया है कि जो भी मिनिस्टर शेख हसीना की गवर्नमेंट में थे, जो इनके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, उन पर भी यूएस सैंक्शंस लगाने वाला है भविष्य में। तो आप कह लीजिए यूएस
बहुत नाराज है शेख हसीना से। दे ऑलमोस्ट वॉन्ट हर टू बी गॉन कि कभी ये बांग्लादेश में वापस आए ही ना। तो आने वाला टाइम देखिए इंटरेस्टिंग होगा, मेजर डेवलपमेंट्स आएंगी। मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए यूएसए ने हाल ही में एक मेगा $3.5 बिलियन का एक मिलिट्री एड पैकेज ये किया है रिलीज, किस कंट्री के लिए? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, इजराइल, जापान या फिर पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि देखिए 15 अगस्त को स्टडी आईक्यू हमेशा अपनी बेस्ट सेल लेकर आता है, शान से हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश की इंडिपेंडेंस को। तो 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो यूजुअली डिस्काउंट आपको मिलता था 15% से लेकर 20% का, ये एम्पलीफाई करके ये बढ़कर 47% हो चुका है। दिस इज बाय फार द बिगेस्ट डिस्काउंट ऑन स्टडी आईक्यू। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आप परचेज कर पाएंगे यहाँ पर स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइस लिखा है 48,000। 48,000 पे करने की जरूरत नहीं है, यूज द कोड PD10 और आपको यहाँ पर एक मेगा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्राइस कम होकर सिर्फ ₹25,000 रह जाएगा। सिर्फ ₹25,000 में आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठकर। याद रखिएगा वैलिडिटी इस कोर्स की सिर्फ 12 महीने नहीं होती, स्टडी आईक्यू आपको देता है वैलिडिटी ऑफ 30 मंथ्स। के आपका अगर मान लीजिए लंबा एक गोल है, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एक साल बचा है आपका, आप आराम से प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा फ्रीडम बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अंडर ए मैसिव डिस्काउंट। याद रखिएगा ये डिस्काउंट 15 अगस्त के बाद खत्म हो जाएगा, आपके पास लिमिटेड टाइम है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। और स्टडी आईक्यू यहां पे ओपनली ये भी कहता है कि प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर होता है यूपीएससी का, ये ₹25,000 भी आपको लौटा दिए जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। सो एनरोल इन द प्रतिज्ञा बैच, प्रतिज्ञा लीजिए टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन दिस इंडिपेंडेंस डे। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी वीडियो खत्म हो गई भाई। अपने जाति मुफाद के लिए कई कंट्रियों को उजाड़ा है भाई साहब अमेरिका ने। वाह अमेरिका वाह, क्या बात है तेरी। चौधरी हो तो ऐसा हो, सही गल है। पते सब पते के बावजूद सारी दुनिया को पता है, फिर भी देख लो कोई चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तगड़ी तगड़ी कंट्री पावर भाई जिसकी लाठी। बाकी शेख हसीना की बात रही, वो इमरान खान की एक मिसाल दे रहे थे साहब बीच में। अगर मेरा अपना ये सोचना है, अगर बीच में उस वक्त 2 महीने पहले अगर ये बोल देती थी आवाम में, या जितना आज रो के बता रही है, एक एक ये। और यार एक मिनट बात तो करने दे। अगर उस वक्त क्या देती अमेरिका मुझे मजबूर कर रहे, बड़ा एयरलैंड मांग रहा है, जो जगह मांग रहा है अपनी बेस बनाने के लिए, ये वो मेरी हुकूमत तोड़ना चाहता अगर मैं इनकार करती हूँ, अच्छा शायद ये आवाम इतनी शिद्दत ना निकलती, आवाम इतना नुकसान ना करती, आवाम शेख हसीना का साथ देना शुरू कर दो। आर्मी है उसको वो खरीद लेते। तो आर्मी के कौन किस में, आर्मी भी नौजवानों में से ही है ना, शायद आर्मी हमारी आर्मी जैसी ना बनती, हमारी आर्मी जैसी ना बनती तो वो बड़ों का खरीद लेते यार, कुछ ना कुछ ये भागने में मजबूर तो ना होती। भाई बैठ जा। खान साहब के साथ क्या हुआ है, तेरे सामने मिसाल को देखते हुए अच्छा ये नहीं सीखता। इमरान खान ने बोला कम से कम इमरान खान भागा नहीं, आवाम तो खिलाफ नहीं ना हुई, चलो उसको तो निकाल के सिस्टम से जेल में डाल दिया, आवाम तो उसके खिलाफ। अच्छा भाइयों आप लोग ये बताना तो नहीं ना, कंट्री आवाम ने अमेरिकन को गोली मार दी है, गोली मार दी है, फांसी पे चढ़ा दिया भुट्टू की तरह, जो जिंदगी जी रहा है इससे तो बेहतर था मारी क्यों मार जाता, और वो शेर का बच्चा बैठा आएगा भी और हुकूमत भी करेगा, उसके अलावा तेरी पूरी कंट्री में कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये तो वो वाली बात है ना, आप बैल मुझे मार, तो मारे ना बैल, उसने सही स्टेप लिया। अब आ रहे ट्रंप आ रहा, तुझे मैं कितनी बार कहता हूँ सारी जंगे सारे मंसूबे खत्म हो जाए, सिर्फ बिजनेस कोई जंग नहीं हो रही, कोई लड़ाई नहीं हो रही, ना वो किसको मरवाएगा, जिस दिन वो रहेगा सबसे बड़ी ये सिर्फ चेहरे जैसे हमने रखे पहले की कितनी जंगे इनके पल्ले और भी जाए जो मास्टरमाइंड पीछे बैठा हुआ है भाई, लाज वो भी कर रहा था, लेकिन इस तरह जंगे शुरू नहीं उसने करवाई, किसी कंट्री को मरवा नहीं दिया।
वो चाहता है इंसानियत तरक्की करे, वो आगे बढ़े, होगा बंदों को वो आम जनता की मौत नहीं चाहता। बड़ी गलत फहमी यूकूब की यही है, क्यों ये देख रहे हैं कि मेरी गलत फहमी है या ट्रंप भी इससे भी बड़ा भारत है। अच्छा बता फिर वो दुनिया पर राज कैसे करेंगे अगर दुनिया में सिर्फ लड़वाने के बाद यही फार्मूला है। मारने के अलावा भी उसके पास इतनी ताकत है, हर किस्म की उसकी ताकत है, सिर्फ हथियार बेचने की ताकत है। इंडिया किसी को कंट्री को लड़वा रहा है, वो नहीं अपना हथियार बेच रहा, वो नहीं अपना तेल बेच रहा, कच्चा तेल रशिया से सस्ते दामों लेके, अच्छा कितनी कंट्रियों को बेचता है, वो जंगे क्यों नहीं लड़वा रहा? इससे तो बहस कर रहा है, बहस करनी फजूल है। आप बड़े सहलदार बैठे हो, इंडिया बेगुनाह को मरवाने के बाद वजूद ही दोनों का कंपेयर कर रहा है। कंपेयर वो इंडिया जो आज हथियार खुद ले रहा है, अच्छा एक उसको चाइना अमेरिका के बाद उसके बाद इतना पैसा है, वो क्यों नहीं जंगे करवा रहा? अच्छा मेरी बात सुन, कब्जे नहीं कर रहा वो, भाई चौधरी कौन है इस वक्त पूरी दुनिया तो उसका पीछे कौन आ गया है? चाइना आ गया उसके पीछे, वो किसी के जंगे तो नहीं करवा रहा? जो पंगे सारे लिए जा रहे क्यों लिए जा रहे? इसमें चाइना तो नहीं बोल रहा भाई, बात तो समझ ना, समझ रहा हूँ। यहाँ पे चौधरी रहने के लिए भाई साहब या तो खुद इतना चले जाओ या जो सामने वाला उसको नीचे कर दो। अगर जंगों के बावजूद चाइना आने वाले कुछ बांग्लादेश में खराबी होगी यहाँ पे वो बेच ले लेगा। मैं कहता हूँ अमेरिका का डॉलर को नुकसान पहुंचेगा और पहुंचाएगा कौन? चाइना, रशिया, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, सपने ये मिल चार मामा सपने, अब ये होगा और हकीकत होगा। इसके डॉलर को नुकसान पहुँचाएंगे और ये जो सऊदी अरब है दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफा, सबसे बड़ा जूते चाटने वाला सऊदी अरब, ये इनके अंतर में चाटेगा इन कंट्री को, ये डॉलर को नुकसान पहुंचाएंगे। और यार तेरी उंगली ऐसे नहीं है, बहुत अच्छी है, खुदा करीम करे ऐसा ही हो। हम खुद चाहते हैं अमेरिका भाई साहब लेकर के अंदर शुरू करवाई है, वो किस लिए करवाई तो ये ब्रिक्स जो है इंशाल्लाह एक उनकी सोच है, इधर भी एक सोच है। म्यांमार की और बांग्लादेश में खराबियां छिड़ेंगी, इधर वो भाई साहब आइलैंड पे आके अमेरिका कब्जा करेगा यार। वो तो किसी का वो तो बेगैरती में कामयाब हो चुका है साहब, लेकिन इसको रोकने के लिए ये भी सारा कुछ हो रहा है मेरे भाई। कौन हो रहा है? ये जो मीटिंग हो रही है ना, ये जो सारा कुछ ये कंट्रियां छह मिल रही है इसके लिए मिलेंगी। इनका मकसद ही अमेरिका को नुकसान पहुंचाना, डॉलर को। अगर डॉलर को नुकसान पहुंचेगा तो अमेरिका की तो ताकत ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। कहावत सुनिए, घर का बेदी लंका डाए। ओ यार कहावत सुनी है कि नहीं? सुनी है, जो मरवाते ना अपने मरवाते ने, लेकिन अपनों को साथ लेके चलेंगे ना। लेकिन भाई साहब यही बात है कि गद्दार है कौन? पाकिस्तान गद्दारों को ये पहले इंवॉल्व करने की कोशिश बात बोल ले, बैठ जा, इतना तो तेज ना बना। अच्छा जी भाई, पहले नंबर तो भाई अगर इंडिया और चाइना आपस में नजदीक आते भी हैं, इस खत्ते में बड़े दो पावरफुल कंट्री है इंडिया और चाइना, बिल्कुल अगर ये अपने नजदीक एक दूसरे के नजदीक आते भी है ना, तो तुम्हारा भाई साहब पाकिस्तान डॉलर लेके ना खराबी शुरू कर दे। यहाँ पे गद्दारों की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन गद्दारों को पैसे इतना दिया जाएगा कि वो आगे देखेंगे ही नहीं। तो फिर अब पैसा चाइना के पास भी पैसा है, इंडिया के पास भी इतना ज्यादा पैसा है, रशिया भी इतना गया गुजरा नहीं, चाइना और इंडिया का मिला लो फिर भी अमेरिका जितना नहीं बनता, और नहीं बनता, लेकिन गद्दारों का मुंह तो बंद करवा सकते हैं। अच्छा ये इंडिया का कंपेयर देखो अमेरिका से कर रहा था कि वो भी हथियार बेच रहा है, वो फिर जंगे क्यों नहीं कराता? कहां अमेरिका कंपेयर में नहीं कर रहा, वैसे बात कर रहा हूं जंगों के बगैर वो भी हथियार बेच रहे हैं, लेकिन मिसाल तो यार 100वां हिस्सा भी नहीं है अमेरिका का, 100वां हिस्सा चाइना तो है ना। अब चाइना तो उसके मुकाबले के कहीं ना कहीं पीछे आ रही है, नहीं है उसके पीछे दुनिया में कौन है? कुल ही नहीं है, उसके बाद कौन है? उसके बाद रशिया हो सकता था, लेकिन आज वो भी उसको नहीं है, चाइना दुनिया को पीछे छोड़ के मामले में बैठा रशिया था, लेकिन उसकी इकॉनमी नहीं है, एक साइड है उसकी, बंदा मानता नहीं मानूंगा मैं, देख रहा हूँ आप नहीं देख रहे, आने वाला वक्त जो है ना वो तबाही है। अच्छा भाई साहब ये नहीं भी बमबारी हो रही है, मुल्क की दुनिया से खत्म लक्ष्य हो जाना नहीं,
वो डॉलर को नुकसान पहुंचेंगे, कंट्री के अंदर हालात इस तरह के हो जाएंगे, लेकिन ये इस तरह खत्म होगा, ये मुल्क की तबाह हो जाएगा। शेख हसीना ने तू जो इसके अगले दिन बड़ा खिलाफ बोल रहा था कि ये भगौड़ी है, ये है, वो है, बिल्कुल बोल रहा नहीं नहीं उधर अमेरिका जो मर्जी फिरे, इसको कोई रोकथाम वाला ना हो, कोई प्लान ना बनाए। अच्छा तबाही हम चाहते, कल को यही सपोर्ट कर रहा था, कहता है जो बांग्लादेश में हो रहा है ये सही हो रहा है। बांग्लादेश के लोग निकले हुए ना सरकार, हम भी निकलो, हम भी निकलेंगे, ये निकल पड़े है, निकल पड़े है, डेडलाइन दे दी है, मांग रहे उन्होंने ये कहा है कि हम नहीं चाहते बांग्लादेश की तरह, हम चाहते हैं पर नंबर पे जो इतनी महंगाई की हुई है उसको कंट्रोल करो, बिजली इतनी महंगी है उसको कंट्रोल करो, तालीम इतनी महंगी आपने बिल बढ़ा दिए, वो तालीम महंगी कर दी, गरीब बच्चा पढ़ नहीं सकता वो, और इमरान खान को रिहा करो, ये हमारे करो तो हम बैठ जाएंगे, नहीं करोगे तो फिर धमाधमस्त कलंदर। अच्छा शेख हसीना ने ठीक किया कि नहीं किया ये बता दो सारी बात। अब फिर लोग क्यों रहे ये ठीक किया जो, अब क्यों क्या कह रहे, अब फायदा क्या रोने का बताओ, क्या कह रहे, जब हालात ही खराब हो चुके हैं अब रोने का क्या फायदा, तू मुझे ये बता, इसके दौरे हुकूमत में जब सब कुछ उजाड़ चुकी है अब क्यों रो, उजाड़ा उसने, उसने उजाड़ा है दावा बोल दिया गया, कहता सामने बैठना इतना आसान मैंने, वो तो बड़े दिनों बाद बोला गया दावा, एकदम उसके घर में नहीं चिराई, ये दो महीने पहले काम हो जाता। अगर शेख हसीना ने कौन सा गलत ऐसा स्टेप ले लिया जिसकी वजह से आवाम उसके पीछे लग गई, बताओ, यही बड़ा स्टेप है जो भाग गई है, ना भागती आवाम में रहती, कम से कम ये आपको खासा ध्यान दो, जमाते इस्लामी में इतनी पाबंदियां लगा दी, बैन करके बंद करते दफ्तर भी, खासा था दो बार की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी, उसको इसने जेल में डाला है। अच्छा किसको, अच्छा किया उसने, खासा था मुल्क के खिलाफ थी, अब इसी बात पे, खासा था मुल्क के खिलाफ थी, इसी बात पे आ जा, उसको जेल में डाला हुआ, अब बात मेरी सुन, बात किसने जमाते इस्लामी को क्या किया, बैन करके अंदर डाला हुआ, अच्छा अंदर डाला, अब वो जो हालत वो कर रही है, ऐसे लोगों को खुला छोड़ना चाहिए, कौन सा नहीं, बिल्कुल नहीं, जमात-ए-इस्लामी का तीसरा जना भी उसे जेल से बाहर आया हुआ है, उसके सारे रब्ते जिसको इसने बैन कर रखा था, जो रेडिकल लोग थे बैन कर रखा था, खिलाफ ही थे वो, खिलाफ थे लोग, अब देख लेते हैं जो चलो अब देख लेंगे, आप अमेरिका के आगे उनकी मर्जी का हाल है बंदा भाई, अमेरिका नहीं होंगी ये, आप अब होनी है, अब तो हो चुकी है, इससे ज्यादा और होंगी, कल को अगर मोदी साहब भी अमेरिका के खिलाफ इतना ज्यादा बोलना शुरू हो जाएंगे ना तो ये भी नहीं रहेंगे जी, नहीं, इतना जल्दी नहीं वो कुछ कर सकते, बहुत कुछ कर सकते, वो जो अमेरिका में जाके पन्नू पे हमला करवा सकते हैं, बेशक वो बच गया था, क्या वो फाड़ लिया, कनाडा में जाके इनकी कंट्री क्या कर लिया, क्या वो फाड़ लिया, लंदन में परचम उतारा उन्होंने, उनके एम्बेसडर को बाहर निकाल दिया, क्या कर लिया, अच्छा उस चीज को इसके साथ मिला नहीं रहे, बेशक छोटी बातें हैं लेकिन अमेरिका को आज दिखा रहे हैं, उंगलियों पर खिला रहा है भाई, इंडिया इतना होने के बावजूद रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है, वो सारा दिफा का सामान खरीद रहा है, इंडिया ने क्या कर लिया अमेरिका ने, वो अमेरिका की मजबूरी है, इंडिया उनकी मजबूरी है, ये भी तो सोच कर भाई साहब, बिल्कुल मजबूरियां खत्म हो जाए, चले कि ठीक है, मैं अपनी चलो दुआ कि अच्छे हालात हो जाए, तो नहीं चाहते बांग्लादेश की मौतें हो आवाम की, लेकिन जो हालात हो गए बड़े मुश्किल हो गए, ठीक है भाई, और शेख हसीना ने भाई साहब जो खुल के बोला ना, वैसे सही भी बोला है, खुद नहीं रो के बोल रहे हैं, अब आप रोने का कोई फायदा नहीं, चलेंगे ठीक है, मैं अपने रात रुकता ही का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, उड़ीक साथ तब तक इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।